sempre che rendeva legge un proprio clone. Un se è parla di là, San Padronia. Anega un deci è hit. Chiocchi, Mahana da Chiesta per कई बार कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और लखनऊ के लोगों से भी मिलना हुआ है काम, लेकिन मैंने कहा कि अब क्योंकि 25 मंडल हैं हमारे, तो 25 मंडलों में मैं स्वयं जाऊंगा और एक बार स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के प्रमुख लोगों के साथ सीधी बातचीत करूंगा। लेकिन हरचरण लाल जी ने यहां पर व्यवस्था को दूर दूर की करा दी। मैं कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं करना चाहता और मैं कोई भाषण भी करने के लिए नहीं आया। सार्वजनिक सभाओं में तो भाषण होते रहते हैं, मैं तो बस वैसे ही गपशप करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच आया था। चाय वगैरह की व्यवस्था है? क्योंकि इतनी दूर बैठकर कोई बहुत बातचीत हो नहीं पाएगी, तो मैं तो सोच रहा था कि बीच में आकर मैं बैठ जाता और फिर उसके बाद लोग अगल बगल भी कुछ बैठ जाते, कुछ बातचीत भी होती रहती और उसी में चाय भी चलती रहती, तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार के बारे में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जागरूक नागरिक हैं, जानते हैं जिस सरकार को आपने केंद्र में बनाया है वह सरकार कैसा काम कर रही है। अब इस हकीकत को तो सारी दुनिया के लोग स्वीकार करने लगे हैं। भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। हमारे अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी बढ़ी थी, और इधर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों का दौरा किया है और जिस गर्मजोशी के साथ उन देशों के लोगों में रहने, उन देशों के लोग और साथ ही साथ वहां जो भारतीय रहते हैं, जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है और भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में जो उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, यह अपने में अद्वितीय है। नीतिगत फैसले भी सरकार ने बहुत सारे लिए, बहुत सारे नीतिगत फैसले किए। और यह बात सच है कि जो नीतिगत फैसले होते हैं उनके परिणाम आने में कुछ समय लगता है, चटपट उसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक परिणाम तो अब दिखने लगा है कि देश की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, और किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने की जो प्रमुख रूप से मापदंड होते हैं, चालू खाता घाटा से करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वित्तीय घाटा से फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और नियंत्रण के बाहर हो गए। लेकिन यह कामयाबी हम लोगों को हासिल हुई है एक वर्ष के अंदर ही कि हम लोगों ने चालू वित्तीय घाटा और साथ ही साथ वित्तीय घाटा दोनों पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की, दोनों पर काबू पाने में। और देश की विकास दर भी जो पहले 5% के आसपास पिछली सरकार में सिमट कर रह गई थी, अब वो 7.3 के ऊपर जा रही है। जो सकल घरेलू उत्पादन जिसे GDP की ग्रोथ रेट कहते हैं, अब वो 7.3% से ऊपर जा रही है। आम जनता के लिए भी आप देखिएगा, भविष्य में लोगों को इसको इसका एहसास होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिस तरीके से खाते खोले गए हैं, शायद आपको जानकारी होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसकी सराहना की है और गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज हो गया है कि इतनी जल्दी और इतने बड़े देश में सभी परिवारों का खाता खुल जाए आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ था, हुआ है पहली बार तो भारत में। अटल पेंशन योजना, थोड़ा सा पैसा जमा करिए 60 साल के बाद 1000 से लेकर 5000 पेंशन, माने आप कोई नौकरी नहीं करते हैं फिर भी पेंशन। जीवन ज्योति योजना, साल भर में केवल 330 रुपया जमा कर, अब आपका जीवन बीमा 12 रुपया जमा करिए, साल भर में 12 रुपया केवल जमा कर दीजिए, आपका दुर्घटना बीमा।
ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जो ही कुछ ऐसे कहीं पर कोई उपयुक्त समय पर उसकी उसको सब सभी को इसका एहसास हो जाएगा कि वास्तव में यह योजनाएं समाज के लिए कितनी लाभकारी है। महंगाई की बढ़ने की जो रफ्तार इतनी तेज थी वह काफी कम हुई, काफी कम हुई। अब देश की बात छोड़ दें, हम अभी लखनऊ की बात करें। आज हमारे सब प्रेस के मित्र बैठे हैं यहां पर। कल ही शाम को मुझे जानकारी दी गई श्री नितिन गडकरी जो हमारे सक्सेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मैं भी 99 में सक्सेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था मैं, जिसमें यह सब चौड़ी चौड़ी सड़कें जो बनी हुई हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, अटल जी ने मुझे उसी विभाग का मंत्री बनाया था। आज कल श्री नितिन जी गडकरी उसके मंत्री हैं, उनसे लखनऊ के बारे में मैंने कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, निकला था। लखनऊ में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, चलना फिरना दूभर हो गया है। तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी और मैंने भी आकर यहां पर कहा था कि लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर की रिंग रोड बनेगी। और आज कल अखबारों में शायद आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको खुशी होगी, उनका पत्र मुझे प्राप्त हो गया कि इसको सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है और 6 महीने के अंदर डीपीआर का काम पूरा होगा। लैंड एक्विजिशन है, डीपीआर है, अब क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, बढ़कर यह जाएगा मैं समझता हूं 4,000-4,500 करोड़ रुपए। यानी लखनऊ के किसी भी कोने से निकलेंगे सीधे रिंग रोड पर पहुंच जाएंगे, उस रिंग रोड से होते हुए आप कहीं भी शहर में जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक यह निर्णय हुआ है। गोमती नगर के बारे में भी एक वर्ल्ड क्लास का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन जाए, इसकी घोषणा पहले भी मैंने की थी, लेकिन वह सारी चीजें प्रोसेस में है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको पूरा बढ़ने में काफी समय लगता है, हम चाहें तब भी, लेकिन लोग समझते नहीं, बहुत तो समझते हैं साहब घोषणा किया कब से काम शुरू हो जाए, ऐसा हाउस में सदन में जब घोषणा हो जाती है तब उस काम को होने में कोई संदेह नहीं होता है। रिंग रोड की भी घोषणा इसके पहले सदन में हो चुकी थी संसद में और इसकी भी घोषणा हो चुकी है, इसलिए संशय की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं। जैसे शहीद पथ जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, भूतल परिवहन मंत्री, तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह लखनऊ में बनना चाहिए, मैंने चटपट जितना जल्दी से हो सका कराने की कोशिश की और आदरणीय अटल जी ने उसका फिर शिलान्यास किया था, लेकिन आपने देखा कि लंबा समय लग गया, बीच में जो सरकारें आई जिनकी तेजी से काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की स्वयं एक समय सीमा निर्धारित करती है उत्तर परिवहन मंत्री ने, 32 महीना या कितना जैसे किया है सर, 30 महीने में यह काम पूरा होना चाहिए, यह समय सीमा निर्धारित उन्होंने की। लेकिन स्वाभाविक है थोड़ा समय अधिक लग सकता है, मैं ये कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन काम शुरू हो गया। और भी आज कितने वो शिलान्यास वगैरह और लोकार्पण कितने हुए, 194 स्थानों पर, कहीं पर सड़क, कहीं पर नाली, कहीं शौचालय बने हैं। और आपके बगल में ये डॉक्टर खेड़ा बगल में ही है ना, डॉक्टर खेड़ा में भी आपने देखा होगा कुछ शौचालय वगैरह बन गए हैं, आप जाकर देखेंगे तो मालूम हो 10 बन गए, ट्यूबलाइट वहां पर लग गए, 6 हैंडपंप भी वहां पर लग गए। तो ऐसे स्थान स्थान पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिटी हॉल भी बनाने के लिए आज मैंने कोशिश कर दिया है, जमीन उपलब्ध कराइए, 3 कम्युनिटी सेंटर भी हम तुरंत बनवाएंगे जितनी जल्दी से जल्दी। कुछ वाटर कूलर होने चाहिए, 6
6 वाटर कूलर तो हो गए हैं शहर में, लेकिन मैंने कहा 40 होने चाहिए कम से कम स्थान स्थान, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 8-8 वाटर कूलर होने चाहिए। समस्या यह होती है कि वाटर कूलर की सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट होता है, तो मैंने कहा कि जहां पर ATM मशीन लगी हुई हो वहां लगाइए, तो ताकि उसकी सुरक्षा में कोई ना कोई गार्ड रहता है तो इसकी भी सुरक्षा हो जाए। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए, आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग जैसे बहुत गंभीर रूप से गरीब लोग बीमार हो जाते हैं, हार्ट बीमारी हो गई और कैंसर हो गया या कुछ ऐसी बीमारी हो गई, बेचारे अपना इलाज नहीं करा पाते, तो प्रधानमंत्री कोष से लगभग 62 लाख रुपया मैंने एक साल के अंदर लोगों के इलाज के लिए दिलवाया। 62 लाख तो ऐसी कई चीजें हुई हैं। दिवाकर जी आ गए, दिवाकर जी आ गए, ये हमारे श्री दिवाकर जी त्रिपाठी, त्रिपाठी जी खड़े हो जाइए, दिवाकर जी त्रिपाठी यहाँ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन रहे हैं और सारा काम इस समय यही देख रहे हैं। मैं इनको पूरा श्रेय देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो केवल टेलीफोन कर देता हूँ, लेकिन ये अपना जाके सब करा देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत काम सभी के नहीं हो सकते, लेकिन बहुत लोगों के हुए भी हैं, बहुत लोगों के हुए। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं तो और दबाव बढ़ जाएगा। जितना मैं कह सकता हूं कि जितना एडमिशन ही इस साल हुए हैं, शायद इधर 10-12 वर्षों में उतने एडमिशन तो कभी हुए ही नहीं है और आज भी कहीं नहीं। देखो उसका संख्या नहीं बताऊंगा मैं तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन बहुत लोगों के नहीं हो पाए हैं। भाई सीमा होती है, हम करेंगे। संख्या में बताओ आपको, तो और कोई सुझाव देना हो हमारे लायक मैं चाहूंगा कि एक अनुरोध लोगों की तरफ से है। लगभग 22 वर्ष मुझे बासमती करते हुए 4 बार इस विधानसभा की आलमबाग क्षेत्र की सीवरेज की समस्या हो चुके। माननीय दिवाकर जी भी हमारे मुख्य नगर अधिकारी रहे, मैं इनके कार्यकाल में भी पार्षद रहा और दिवाकर जी वाकई में सारी भौगोलिक स्थिति से दिवाकर जी खूब अच्छी तरह से फटे हुए। और अगर ये समस्या हमारी दूर होती है तो हम लोगों की 75% समस्या समाप्त हो जाए। सही बात है, बहुत बड़ी समस्या। परिवार का मुखिया जब संपन्न होता है तो लोगों की अपेक्षा, अरे हम कहा जाती है मुझे संपन्न मत मानिए, ये गाड़ी घोड़ा हमारा कुछ नहीं है, ये सब संपन्न मीन्स अधिकारों में होता है। अरे अधिकार अधिकार सब अधिकार आप लोगों का दिया हुआ है, ये अधिकार आपको ही समर्पित है।